गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी वीडियो खाने से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है और मैं और आप कुछ हैक्स के बारे में वीडियो शेयर करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है तो चैनल पर बने रहिए और देखते जाइए कितनी काम की चीज़ें हैं। कुछ छुटपुट चीज़ों में भी हमारी बहुत सी काम की चीज़ें निकल कर आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, ये छोटा सा एक पैकेट है, इसमें मैंने क्या मंगवाया है। इसमें मंगवाए हैं मैंने कुछ कैप्स, ये देखिए ये 6 कैप हैं और ये 180 के मेरे को मिले हैं। अब इनकी रियल प्राइस क्या होगा नहीं पता है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बोतल है, ये जैम की बोतल है, इसमें अचार चटनी वगैरह सभी आते हैं मार्केट में और पतंजलि के भी आते हैं, लेकिन इनके कैप जो ये होते हैं ये थोड़ा एल्युमिनियम या लोहे के होते हैं तो ये अचार वगैरह से ख़राब हो जाते हैं। ये बोतल बहुत ही मजबूत होती हैं, कैप इनके बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये कैप मंगवाए हैं और मैं इन कैप को इन बॉटल्स के ऊपर फिट करूँगी। वैसे तो ये बेकार की चीज़ है कि ढक्कन ख़राब हो गया है तो उसको फेंक दीजिए, लेकिन इसको अच्छे से साफ करके इसे आप नया रूप दे सकते हैं। ये बोतल, ये ढक्कन इस पर फिट करके, और ये बहुत ही काम की ये एयरटाइट हो। तो ये 65 mm का मैंने मंगवाया है। इनका जो बोतल का नाप है ये 200 ग्राम का है, इसी पे यही ढक्कन सही आते हैं। अमेजोन पे अवेलेबल है, आप इसे अपना नया इसको रूप दे सकते हैं। अभी ये बोतल मेरी गंदी है, लेकिन जब भी इनके ढक्कन खराब हो जाते हैं तो आप इन्हें एक साथ ऐसे मंगवा के अपना बोतल को नई बना सकते हैं। बोतल बहुत मजबूत है, इसीलिए मैंने इसको हैक में दिखाया है कि ये 6 ढक्कन हैं, लेकिन ये थोड़ा इनमें डिफरेंट भी हैं, बट ये मुझे बहुत दिन की ज़रूरत थी तो मैंने इनको रख लिया। सान का पुराना ढक्कन है तो थोड़ा इसमें छेद वगैरह हो जाते हैं, तो इसको आप अगर रिन्यू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा सेट बन जाता है इसका। इस कैप को फेंक के ये वाला कैप इस बोतल पे फिट करके आप नई जार तैयार कर सकते हैं। और बाजार में अगर हम ये जार लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं, इनका आप बेस्ट रीयूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम नई जार तैयार कर सकते हैं। जार तो हम नया भी लेंगे तो भी कैप एक दिन ख़राब ही होने हैं, तो इनको नए कैप लगा के इनको नया जार का रूप दिया जा सकता है। ये मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट हैक है, इसको आप अपना सकते हैं और करके देखिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको चादर से रिलेटेड बताने जा रही हूँ। तो ये आप चादर देख रहे होंगे, इसको मैंने आज ही बिछाया है। तो ये चादर काफ़ी टाइम पहले मैंने 1100 रुपये में 2 मंगवाई थी, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है लेकिन ठीक ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे कैसे, हम अपनी मनपसंद चादर लेंगे और ये मेरी इलास्टिक फिटेड चादर है, ये देखिए। तो ये मेरी इलास्टिक फिटेड बेड शीट है, इसमें नीचे चारों तरफ इलास्टिक लगी हुई है। तो आप इसमें अपनी मनपसंद चादर लेके इलास्टिक लगवा सकते हैं। ये चादर तो जैसी भी हमें दुकान पे या जहाँ भी मॉल वगैरह में मिलती है वो उनकी मतलब डिजाइन पसंद के नहीं होते हैं, तो इसमें आप अच्छे से अपनी कोई भी पसंद की चादर में इलास्टिक लगा के इसको बहुत अच्छे से तैयार करा सकते हैं, उतने ही पैसों में भी आपको पड़ेगी। या तो आपको बाजार में महंगी मिलती हैं या फिर आपको डिजाइन पसंद नहीं आते हैं, तो इसके लिए हमें अपनी मनपसंद चादर बहुत अच्छे से तैयार करा सकते हैं अपने बेड साइज के। और इसके लिए हमें यही करना होगा, अपने बेड का नाप लेके अच्छे से डिजाइन की चादर लाकर किसी भी टेलर से या किसी से भी जो रोड साइड बैठे रहते हैं टेलर, उनसे बारीक इलास्टिक को हम इसमें अटैच करा सकते हैं और अपने गद्दों में फिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपका एसी लगातार चल रहा है और आपको फ्रिज का पानी नुकसान करता है तो उसमें आप अपनी बोतलें भर के एसी में रख सकते हैं, एकदम ठंडा पानी आपको मिल जाएगा। और फ्रिज में अगर स्पेस नहीं है खाने के लिए तो 5-6 घंटे के लिए आप खाना भी एसी में किसी टेबल पर कवर करके रख सकते हैं, उसमें आपका खाना बच जाएगा। अगर किसी वजह से आपका खाना फालतू बन गया है या फ्रिज में स्पेस नहीं है
तो एसी में आप खाना और पानी 5-6 घंटे के लिए आराम से उसको सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपका जो फ्लश का टैंक होता है उसमें आप तो साबुन रिन का कोई भी जो कपड़े धोने वाली साबुन होती है उसका टुकड़ा डालते जाइए थोड़ा थोड़ा करके, 2-3 दिन के लिए वो चल जाएगा। एक बाज़ार में भी हार्पिक की गोली आती है लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो इसके लिए आप कपड़े धोने की वाली साबुन कोई भी साबुन हो उसका थोड़ा सा पीस आप 2-3 दिन के लिए उसमें ऊपर से हटा के डाल दीजिए, तो आपका फ्लश साफ बना रहेगा। और अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सूखे मसाले हैं, उनको भी फ्रिज में एयरटाइट डब्बों में रख दें तो 6 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। बरसात के मौसम में ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आलू शिमला मिर्च में, आलू देख ले कितने सारे हैं, और ये है शिमला मिर्च आलू को, ये थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा मसाला बताया जा रहा है, अब देखते हैं इसे सिंपल बनेगी या कैसी सब्जी बनने जा रही है। ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी तैयार है, टेस्ट करके अभी बताती हूँ कैसी बनी है। अभी थोड़ा सा इसमें रेशा है, इसको फुल गैस पे 2 सेकंड के लिए खुला हुआ छोड़ देंगे, और इसे फुल गैस पे पकाने के बाद अभी भी इसका पानी नहीं सूखा है ना ही हमने कोई डाला, तो थोड़ा सा इसमें रेशा है। ये भी कभी कभी अच्छी लगती है। वैसे ये शिमला मिर्च की सब्जी ज़्यादातर कढ़ाई में बनाई जाती है, पर कभी कभी रेशेदार सब्जी बन जाती है। सब्जी हमारी बहुत टेस्टी बनी है। तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.